हेलो फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम पॉलिटिकल न्यूज़ देखेंगे। तो फ्रेंड देखिए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए क्या है, राजनीतिक पार्टियां काफ़ी जोर लगा रही हैं अपने अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। और फ्रेंड एक सैड न्यूज़ और है कि हमारे समाज के एक कर्नाटक में जो हमारा गद्दी गडेरिया समाज है, कुरुबा नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर हमारे एक समाज के पूर्व विधायक का 12 अक्टूबर को निधन हो गया था, उनके बारे में देखेंगे। और फ्रेंड कुछ लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि राजवीर नाम के जो बघेल हैं उनको टिकट मिल गया है, क्या वो अपने समाज में, तो वो सारी चीज़ इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये श्री चौधरी प्रेम सिंह धनगर जी हैं, इनको बीजेपी से टूंडला सीट से उपचुनाव के लिए टिकट मिल चुका है इनका। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, टूंडला जो है ये उत्तर प्रदेश की उन गिनी चुनी विधानसभाओं में से एक है जहां पर गद्दी गडेरिया समाज की जनसंख्या बेतोड़ है, यानी कि ज़बरदस्त बहुत जनसंख्या है। और फ्रेंड इतनी जनसंख्या है कि यहां पर पिछले जो नगर पालिका के चुनाव हुए थे तो वहां पर नगर पालिका अध्यक्ष में बीना धनगर जो हैं वो निर्दलीय वो चुनाव जीत गई थी। तो फ्रेंड इतनी सबसे ज़्यादा अगर किसी विधानसभा में गद्दी गडेरिया समाज की जनसंख्या है तो फ्रेंड वो टूंडला में है। तो ये फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये उपचुनाव। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर चौधरी प्रेम सिंह धनगर को ये इटावा के रहने वाले हैं, सॉरी एटा के रहने वाले हैं ये, इनको बीजेपी ने टिकट दिया है टूंडला से। नेक्स्ट फ्रेंड महाराज सिंह धनगर, इनको 5-6 दिन पहले इनका टिकट क्लियर कर दिया था समाजवादी पार्टी ने। तो फ्रेंड ये टूंडला से दो प्रत्याशी खड़े हो गए हैं। तो फ्रेंड देखिए, मायावती की जो पार्टी है जिसको हम जाटव समाज की पार्टी भी बोल देते हैं, तो जाटव समाज की जो पार्टी है मायावती जी की, तो उन्होंने इस समाज पर खटीक को खड़ा किया है, सुरेंद्र सिंह चक हैं उनको खड़ा किया है इस सीट पर। तो फ्रेंड देखिए, अब हमारे समाज के दो कैंडिडेट अलग अलग पार्टी से, बड़ी बड़ी पार्टी से यहाँ पर खड़े हो गए हैं। तो हमें फ्रेंड देखना है कि क्या धनगर समाज के लोग ही यहाँ पर इस सीट को ले जाएंगे या कोई और दूसरी पार्टी का आदमी इस सीट को ले जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, अगर यहाँ पर कोई एक समाज का कैंडिडेट खड़ा होता तो फ्रेंड जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब एक प्रेम सिंह धनगर को टिकट मिल चुका है और समाजवादी पार्टी से महाराज सिंह धनगर को। तो फ्रेंड ये भी काफ़ी मतलब समाज के लिए काफ़ी एक सोच विचार करने की बात है कि भाई एक सीट से एक ही समाज के दो कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, कहाँ तो हमारे समाज के लोगों को टिकटें मिलता है और कहाँ मिलता है, तो फिर एक ही सीट पर इतने सारे मिल जाते हैं, कोई नहीं बन पाता, तो गिनती में धनगर नहीं आ पाता। तो फ्रेंड देखते हैं कि सेठ महाराज सिंह धनगर जो हैं वो क्या इस सीट से जीत पाएंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, हमारे समाज के एक वरिष्ठ जो विधायक रहे हैं करनावर मलप्पा, इनकी डेथ हो गई थी फ्रेंड 12 अक्टूबर 2020 को। ये 92 साल के थे, ये पूर्व में विधायक रह चुके हैं दो बार, एक बार MLC रह चुके हैं और ये पार्षद रह चुके हैं, मतलब कई बार ये पार्षद रह चुके हैं और ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, इसको आप वाइस मेयर बोल सकते हैं, ये वाइस मेयर भी रह चुके हैं। तो फ्रेंड आप सभी लोग भगवान से कृपा कीजिए, ईश्वर से कृपा कीजिए, गॉड से कृपा कीजिए, अल्लाह से कृपा कीजिए कि फ्रेंड इनके स्थान पर इनके पुत्र वगैरह आए, राजनीति में आगे बढ़ें और समाज का नाम रोशन करें। और फ्रेंड आती बात कॉन्ट्रोवर्सी पर, तो देखिए फ्रेंड जैसे कि मैंने नाम के आगे इनके ठाकुर लिख दिया है और पीछे भी ठाकुर लिख दिया, तो आप समझ गए होंगे कि ये ठाकुर राजवीर सिंह बघेल जो हैं ये ठाकुर समाज से हैं, राजपूत समाज से हैं, ये जनरल कैटेगरी में आते हैं, ये सोलंकी राजपूत हैं। मेरे को इनका खाप तो पता नहीं चलेंगे, सोलंकी राजपूत हैं, चौहान राजपूत हैं, तोमर हैं, सिसोदिया हैं, कौन हैं, पर एक्चुअली मैं फ्रेंड ये राजपूत समाज से हैं, इनको हट पीपलिया से मध्य प्रदेश से इनको टिकट मिला है। तो फ्रेंड इनके जो फादर थे रामवीर सिंह बघेल, वो भी पूर्व में हट पीपलिया से विधायक रह चुके हैं। तो फ्रेंड कहने का मतलब मेरा ये है कि फ्रेंड ये हमारे समाज से नहीं है तो इन पर कोई भी ध्यान मत दीजिए, इनके ऊपर अगर कोई इसी हट पीपलिया में गद्दी गडेरिया कम्युनिटी के लोग हैं तो फ्रेंड इनको बिल्कुल भी आप वोट मत कीजिएगा, कभी आप इनको अपना समझ करके वोट करें तो इनको अपना समझ करके वोट मत कीजिएगा। बेशक आप इनकी जिस भी पार्टी से इनको टिकट मिला है उस पार्टी के सदस्य हैं तो आप इनको कर सकते हैं, वैसे कोई खास फ़ायदा नहीं है ना हमारे समाज को देंगे, ये हमारे समाज को बहुत नीचा मानते हैं, बहुत ख़राब मानते हैं,
तो इसलिए फ्रेंड इन ऐसे लोगों को टिकट अगर मिल भी गया तो हमारे समाज को कुछ लेना देना नहीं है इनसे, ये राजपूत समाज से हैं, तो इनको बिल्कुल भी आप वोट मत कीजिएगा। अगर हाँ आप लोगों के कुछ काम आ रहे हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इनको वोट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग हमारे इस पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनके प्रति अपनी रुचि बढ़ाएं, उनके जीतने के काम ना करें, प्रचार करें, प्रसार करें, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जिस भी तरीके से आप कर सकें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।